टीवी की नागिन यानी कि एक्ट्रेस निया शर्मा अपनी एक्टिंग के साथ साथ फैशन के लिए भी मशहूर हैं। निया का फैशन थोड़ा सा हटके है। एक्ट्रेस अपने बोल्ड अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच के रखती हैं। निया ने कई बार फैंस को अपने आउटफिट से इम्प्रेस किया है, लेकिन कई बार एक्ट्रेस बुरी तरीके से ट्रोल भी हुई है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। निया शर्मा का लेटेस्ट फैशन देख ट्रोल्स भड़क गए हैं, जिस वजह से एक्ट्रेस की काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाई जा रही है। दरअसल बीती रात एक्ट्रेस कुछ ऐसा पहनकर स्पॉट हुई थी जो किसी को समझ नहीं आया। निया शर्मा को पार्टीज का काफी ज्यादा शौक है। बीती रात निया शर्मा ब्लैक बनकर पैपराजी के कैमरे में कैद हुई। एक्ट्रेस का लुक काफी बोल्ड था जिसमें स्टनिंग दिखी। निया का यह लुक लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। वहीं एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया है जो क्लब के बाहर का है। इस वीडियो में निया ने क्रॉप जैकेट पहना हुआ है जिसका डीप नेक है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने ब्लैक लोवर पहना हुआ है। इस लुक में हैरानी की बात यह है कि निया की बिकनी का लोवर साफ दिख रहा है। एक्ट्रेस का यही फैशन लोगों को रास नहीं आया है, जिस वजह से निया को ट्रोल होना पड़ रहा है। निया शर्मा के लिए लोग अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। कई लोगों ने निया शर्मा की तुलना उर्फी जावेद से की है, तो कुछ लोगों ने बताया कि उर्फी तो खामुखा बदनाम है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, जैसे ही वो थोड़े मशहूर हो जाते हैं तो अपने शरीर के अंग दिखाने लगते हैं। बता दें कि निया शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल काली अग्नि परीक्षा से की थी। इसके बाद वो 1000 में मेरी बहना, जमाई राजा, नागिन जैसे में हिस्सा लिया था। इसके अलावा वो रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुकी है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।